नमस्कार दोस्तों, मैं उशियारी और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। तो आइए जानते हैं आज की एक बड़ी खबर। युवक कांग्रेस द्वारा केंद्रीय मंत्री एवं जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध प्रदर्शन कर उनका पुतला दहन किया गया। राज्य सरकार को अस्थिर करने के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कथित ऑडियो सामने आने के बाद जोधपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अपना विरोध जताया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा पिछले कई दिनों से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के प्रयास में लगी हुई है और अब इस पूरे मामले का पटाक्षपेक हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए शेखावत को केंद्र मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है तथा साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शेखावत के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। अरे फोन पकड़ ले ला दिनों से विधेयक की खरोद फरोद को लेकर जोधपुर के MP और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के परिवार के MLA को खरीद फरोद में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए कल उन्होंने और सोशल मीडिया पर और अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के पास सक्षम सबूतों के साथ साहब ने कहा है कि हमारे जोधपुर के कैबिनेट मंत्री और MP ने कांग्रेस के विधेयकों को खरीदने के में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने हमारे जो मेन जो यूथ कांग्रेस और NSOI के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रीढ़ की हड्डी बनकर काम किया और उन्हीं MLA को हमने जो जिता कर विधानसभा में भेजा और उन विधायकों को पैसों की लालच देकर BJP ने खरीदने की कोशिश की मगर उनकी नाकाम रही और हम जोधपुर यूथ कांग्रेस और NSOI मांग करते हैं कि तत्काल भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यानी नड्डा से कि हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत को आपके मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। नहीं करेंगे तो हम यूथ कांग्रेस और NSOI रोडों पे आके उनका विरोध करेंगे, पुतला जलेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, उनको जोधपुर में एंट्री नहीं करने देंगे क्योंकि इन्होंने जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ जो धोखा किया है और हमारे MLA को खरीदने की कोशिश की वो हम कभी नाकाम नहीं होने देंगे। हम क्योंकि ये अशोक गहलोत का गृह जिला है जो कि अशोक गहलोत जो हर कार्यकर्ता की मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देगा। जो उस तरीके से इन्होंने जो नाकाम हरकतें की हैं उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं और आज इन्होंने इनका पुतला जला के विरोध प्रदर्शन किया। आज से शुरू हो गए, जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे जब तक हम रोडों पे इनका विरोध करेंगे और काले झंडे दिखेंगे और जोधपुर में घुसने नहीं देंगे। यूथ कांग्रेस और NSOI उनके सामने खड़ी रहेगी। इन्हें FIR दर्ज कर ली, एक तो एक थाना में तो खुद नाम से और एक उनके खुद ने नाम से FIR दर्ज हो चुकी है। सोची की गजेंद्र सिंह की उसके अक्षर की खुद की जारी हो चुका है। आपका नाम? दिनेश परियार, NSOI जिला अध्यक्ष जोधपुर। सिंह शेखावत का विरोध करते हैं और धरना प्रसाद में रखेंगे और आगे से विरोध चलता रहेगा हमारा जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे जब तक। मैं जोधपुर से जिला अध्यक्ष रियाज मोहम्मद। तो खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।